चलो देख सीटें बढ़ गई, किसको एडमिशन चाहिए था कुछ सीटें बढ़ गई हैं, देख लेना HTML टाइटल। तो फॉर क्लियर हुआ, फॉर चलो फॉर आज अब पढ़ते हैं फॉर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर स्टेटमेंट के अंदर टाइटल को हमने क्लोज कर दिया और फिर यहाँ से स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर दिया और स्क्रिप्ट को, क्योंकि ये तो हमें करना ही पड़ेगा, यदि बंद करना भूल गए हो तो क्या होगा मालूम है, कुछ नहीं आएगा ठीक है। इसलिए जो काम इम्पोर्टेंट है वो तो पहले कर ही देना चाहिए। तो फिर बॉडी को स्टार्ट करना है या नहीं करना है, बॉडी को क्लोज करना है या नहीं करना है, ये चल जाएगा। लेकिन यदि स्क्रिप्ट को क्लोज नहीं किया तो स्क्रिप्ट रन नहीं होगी। तो यहाँ पर अब देखिए वेरिएबल हमने डिफाइन किया, जैसे लिखिए एक प्रोग्राम लिखिए, कल हमने देख फैक्टोरियल देख लिया था, हो गया था ना फैक्टोरियल। एक प्रोग्राम लिखिए जो किसी भी एक से लेके 100 तक की संख्याओं में से एक से एक प्रोग्राम लिखिए जो एक से 100 तक की संख्याओं में से विषम संख्याएं प्रिंट करे। तो यहां पर हमने ए लिख दिया, क्या कर दिया ए लिख दिया, फिर कामा बी कर दिया। दो वेरिएबल डिफाइन किया हमने, कोई भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, बी यू भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, या नंबर के लिए एन भी दे सकते हो ठीक है। तो यहां पर अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो फॉर लूप स्टेटमेंट लगाया, क्या किया फॉर। तो यहां पर हमने लिखा ए बराबर वन, मतलब वन से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा 100 तक जाएगा, और क्या करना है ए प्लस प्लस करना है, और जे आपने लगा दिया। तो यहां पर सीधा लिख देते थे document डॉट राइट इन्वर्टेड कॉमा, डायरेक्ट लिख देते थे, क्या लिख देते थे नंबर ठीक है, और सेमी कॉलन से टर्मिनेट। और तो इस प्रोग्राम को सेव करने से फॉर ओड, तो कुछ इस तरीके से हम कहानी को तैयार कर सकते हैं। या तो इसमें हमें सब नहीं चाहिए, और यदि गैप चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या लगा देंगे प्लस करके की भी लगा सकते हैं, मान लो प्लस इन्वर्टेड कॉमा में बैक स्लैश टी, टैप के लिए होता है, काय के लिए होता है। तो जो बीच में अभी गैप नहीं आ रहा था अब गैप आ जाएगा, आ गया ना गैप। अब लेकिन अभी तो ये एक से लेके 100 तक की संख्याएं प्रिंट हो रही है, यदि हम चाहते हैं कि विषम संख्याएं प्रिंट हों तो इसके आएंगे, सबसे पहले हम एक और स्टेटमेंट लगाएंगे जो हमने पढ़ा है, बी बराबर है बी मॉडुलस टू इक्वल जीरो। तो इसका मतलब हुआ कि यदि बी में दो का भाग दिया जाए, आपको कौन सा सम संख्याओं का बोला है ना हमने, हाँ तो यहां पर हम वन कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, तो दो किसी भी संख्या में, इसमें बी की जरूरत ही नहीं थी, वहां वेरिएबल एक ही बनेगा, दो बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर ए में भाग दिया दो का, तो यदि शेषफल कितना बचेगा वन, तो आप कम मिलेगा ए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। इसे सेव किया और रन कर दिया, देखिए क्या मिला आपको, अभी विषम संख्या है, देखो ध्यान, क्योंकि हर संख्या में दो का भाग दिया जाएगा, शेष पर यदि वन है तो प्रिंट होगा, यदि वन नहीं है तो प्रिंट नहीं होगा। क्लियर, इस तरीके से इसको लिखे जल्दी से स्पीड से, दो तीन प्रोग्राम बनवा।
इस पर देखिए जी क्या आ गया, विषम संख्याओं और सम संख्याओं के लिए केवल क्या कर दोगे जी, क्वेश्चन फिर लिख लोगे नीचे क्या है, सम संख्याओं के लिए बस जीरो कर दोगे आप, सेव करके जैसे ही रन करोगे लिख लेना तो क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन, आता सीधा आठ नंबर में आ जाता, ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखा रहेगा, एक प्रोग्राम लिखिए, एएचटीएमएल कोड लिखिए जो एक से लेकर 100 तक की संख्याओं में से विषम संख्याएं या सम संख्याएं ओड या इवन संख्याएं प्रिंट करें, ठीक है बन जाएगा। अब लिखिए अगला प्रोग्राम, लिखिए एक प्रोग्राम, लिखिए एक प्रोग्राम लिखिए जो अगला, हाँ
एक प्रोग्राम रखिए जो एक से लेके सौ से लेके एक तक की उल्टी गिनती प्रिंट करे। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोग्राम में परिवर्तन, कुछ ऐसा हो जाएगा। आ गया, देखिए हाँ क्या किया है, ए बराबर 100, मैंने कहां से स्टार्ट होगा, ए का मान कहां से स्टार्ट होगा 100 से, 100 में से क्या घटाना माइनस वन, अभी प्लस प्लस कर रहे थे अब माइनस माइनस कर दिया, तो हर बार 100 में से एक, 99 में से एक, तो वो धीरे धीरे करके प्रिंट होता जाएगा। ऐसे एक प्रोग्राम लिखिए जो 100 से एक तक की उल्टी गिनती प्रिंट करे। देखो लिखो आंसर। ऊपर ही देखो, क्लियर हुआ क्या किया हमने, सिंपल सा परिवर्तन किया। ठीक है, आई जे ए दो वेरिएबल हमने डिफाइन किए, रुकना भी हो गया, एन दे दे रहे, सी दे दे रहे, एन दे दे रहे, एन बराबर
वन टू एंड इक्वल फाइव। प्लस प्लस तो लिखिए या समझ लो पहले, C बराबर तो C बराबर प्रॉम्प्ट इंटर एनी नंबर भी डाल सकते कैसे इन्वर्टेड कॉमा प्लस एम क्या कर दोगे एम प्लस फिर क्या कर दोगे कॉलन जे आ फिर यहां पर प्रिंट कर दोगे थोड़ा अरे 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 देखते हैं क्या बताता है। अच्छा यहाँ पर करे तो वहां पर कुछ नहीं करना चलो तो यहाँ तो केवल मैसेज प्रिंट करा दिया यहाँ करा दिया क्या करा दिया एन प्लस फर्स्ट नेम इज प्लस शी प्लस ब्रेक लाइन बी आर हो जाए क्या हो जाए देखते हैं क्या होता है। राम श्याम सुनील राज महेश बन गया ना आ गया ना लिखो एक प्रोग्राम लिखिए एक प्रोग्राम लिखिए जो किसी व्यक्ति के चाबी दे दो किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति की जगह काट दो एक प्रोग्राम लिखिए जो पांच छात्रों के नाम इनपुट करे और प्रिंट करे पांच छात्रों के नाम इनपुट करे और प्रिंट करे तो जी कैसा हमने सिंपल प्रोग्राम बनाया क्लियर देख लिया सही है
हो गया। लिखिए एक मिनट स्टेटमेंट रन करके दे देंगे। तो सबसे पहले n बराबर हमें देना पड़ेगा 1, ओके। इसका परमिट थोड़ा सा चेंज रहता है, क्या किया टॉग यू एंड डॉट राइट इन्वर्टेड कॉमा में सीधा लिख दिया एन, और चाहो तो टैप कर सकते हो, ओके टर्मिनेट कर दिया और लिख दिया एन इक्वल एन वन। तो फिर भाई एन सही है क्या नहीं है, हाँ सर हाँ हम रिकॉर्ड गए, चलो तो फिर हम देखा था। हाँ भाई अच्छा मतलब दिमाग से निकल जाए तो बड़ी टेंशन बन जाए। अब इसका स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, चलो एक मिनट देखते हैं। कई बार ऐसी समस्याएं फंस जाती हैं, मेरी है दिमाग ही नहीं आ रहा स्टेटमेंट। केस बचा केस छोड़ दिया लूप स्टेटमेंट फॉर जे वाइल कंडीशन। हाँ सही है, क्या लिखना है वैल्यू वाइल कंडीशन ऊपर देना है कंडीशन,
कुछ इस तरीके से, ठीक है, सही तो लिख रहे थे मैंने, तना कन्फ्यूजन हो गई थी। कट कट, तो व्हाइल कंडीशन n बराबर वन बराबर, मतलब कहां तक n की वैल्यू कहां रहेगी, ठीक है, हो गया डन। व्हाइल n बराबर हो गया 100 तक जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टी n बराबर n प्लस बन, अब तो भैया फांसी ही लग गई है। वर हमने लिख दिया n बराबर 1, यहां भी लिख सकते हो डायरेक्ट, वहां भी घोषित कर सकते हो। फिर हमने दिया क्या, while, क्या लेगा while कंडीशन, कंडीशन में हम दे रहे हैं n कहां तक जाएगा जी, इक्वल कहां तक, 100 तक, राइट। फिर क्या आएगा इसके बाद, यहां पर हमें प्रिंट कराना है 100 तक की गिनती, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर इन्वर्टेड कॉमा में हम एन कर दिया, राइट, सेमी कॉलन से टर्मिनेट, और एन बराबर एन प्लस 1 सेमी कॉलन से टर्मिनेट, और यहां पर जी खत्म, और लास्ट में स्क्रिप्ट को बंद और हेड को कई बार एरर आ जाता है, ध्यान रखना। अब उस वेरिएबल में एरर फंस गया था, क्या है तो हमारा ले ही नहीं रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, फिर तत्काल सब करके देख लिया, तो हमने न्यू कर दिया, क्लियर आ गया ना, जबकि जेई उसमें लिख रहे थे तो आ नहीं रहा था, इसको उतार, ठीक है।